IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप, सेकेंड है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, मतलब ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी ये कोई डिस्टेंस है जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ भी मान लो, यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं पहाड़ की जैसे थोड़ा सा, और आपको मेजरमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं होगी। आपकी यहाँ से जिस एंगल से ये उठेगा उसी एंगल से यहाँ पर अगर आप इस एंगल से ये इस तरीके जिस एंगल से यहाँ पर ये उठा उसी एंगल से आप यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे लाइन इस यहाँ पर ये उसी एंगल से, ओके। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी बराबर होगी, लेकिन ये इतना आपका करेक्शन आ जाएगा, ओके। इसको डेल बोल देता हूँ मैं इसे एक, तो ये आपका करेक्शन हो गया। तो ये कैसा, ये एक स्लोप करेक्शन हो गया आपका। तो स्लोप ड्यू टू और करेक्शन ड्यू टू स्लोप को आप मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स किस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे और कितना करेक्शन आता है वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ग्राउंड शुड बी टेकन एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर ग्राउंड का मेजरमेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मेजर्ड अलोंग द स्लोप ग्राउंड देन द कैलकुलेटेड ट्रू डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन नेगेटिव करेक्शन शुड बी अप्लाइड। अच्छा, एक दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छी याद रखनी है कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन आएगा इसका, ओके। यह आपकी मीन सी लेवल, मान लो मीन सी लेवल जानते हो क्या होती है, जो भी आपके समुद्र वगैरह है सी है वहाँ से आपकी एवरेज लेंथ, हम जब जो भी सर्वे करते हैं वो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखते हैं मीन सी लेवल जो भी आपके समुद्र उनकी एवरेज डिस्टेंस, अलग अलग जगह पर उनकी एवरेज डिस्टेंसेज निकाल के एक मीन सी लेवल प्रोवाइड कर रखा है हमने अपने जो क्वेश्चन में, आप अलग अलग जगह पर अलग अलग मीन सी लेवल है, ओके, क्वेश्चन में पहले ही प्रोवाइड कर देगा। तो मीन सी लेवल से उसकी हाइट मान लो एच है, ए पॉइंट की एच है हाइट है, ओके, और कोई भी बी पॉइंट है वो किसी स्लोप पे है यहाँ से, और उसकी आपकी यहाँ से यहाँ तक की एच भी हाइट है, ओके, एच भी। तो इसके और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया आपका, एच ए माइनस एच बी का डिफरेंस हो गया, ओके। ये डिस्टेंस आपकी एल है और जो स्लोप के बाद में जो डिस्टेंस आई वो आपकी एल नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से जितना स्लोप ये है उस स्लोप से मैंने बता दिया, अभी उस स्लोप से यहाँ पर एक लाइन खींचोगे तो ये L और ये L बराबर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो इतना करेक्शन आ गया, ये स्लोप करेक्शन होता है हमारा, ओके, समझ आ गया। स्लोप करेक्शन करते क्यों हैं, किस तरीके से स्लोप करेक्शन हमारा आता है, ओके। तो L L डैश L नॉट माइनस L, ये हमारा करेक्शन हो गया, ओके। और L क्या होता है आपका, L क्या होएगा, ये L होगा आपका इस तरीके का, वो लगाओगे आप बेस बेस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से आपका एल नोट की वैल्यू ये आ गई। तो आप कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। डेरिवेशन कुछ है नहीं इसमें, सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लोप करेक्शन होता है वो कैसा होता है, एल नोट माइनस एल नोट रूट अंडर एल नोट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। एल नोट आपको पता है कौन सी है, एल नॉट ये है और एच आपकी ये डिफरेंस है, ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस है एच, एच बी माइनस एच ए, ये तो एग्जैक्ट है। अगर अब अप्रोक्सीमेट ऑब्जेक्टिव वगैरह अप्रोक्सीमेट का ध्यान रखो तो आप एच स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट होता है, ओके, समझ आ गया। क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तो और क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशन तो कभी भी एग्जैक्टली समझ आता नहीं है, उस पर क्वेश्चन करते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि एक्चुअल में जो डेरिवेशन है या फिर जो फॉर्मूले वो यूज किस तरीके से होते हैं, कैसे यूज आते हैं, ओके। अगला है हमारा करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, वही उसी तरीके से आ गया। मान लो कि आपका ये सीधा अलाइन, यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, ओके, मान लो इस तरीके से, तो आपने यहाँ से डिस्टेंस मेजर की, यहाँ से आप इस तरीके से आओगे, इस तरीके से आके इस तरीके से मेजरमेंट करोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए। तो आपकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गई, तो इस तरीके के मेजरमेंट में कुछ एरर्स आती है, तो करेक्शन ये अलाइनमेंट एरर आ जाती है एक तरीके से, अलाइनमेंट करेक्शन, ओके। ये देखो ये यहाँ पर ओरिजिनल तो ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, ठीक है। तो इसने क्या कि यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ मेजर किया, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किया और फिर इस पोजिशन पर पहुँचे।
तो बेसिकली ये उसी टाइप करेक्शन ड्यू टू स्लोप उसी तरीके का हो गया ये, ठीक है। फॉर्मूला भी वही आएगा, एल नॉट माइनस रूट अंडर एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, वही वैल्यू जिसमें एल नॉट क्या है, ये डिस्टेंस एल नॉट है, एच क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। और अगर आप अप्रोक्सीमेट देखना था हो तो एच स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट ये हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट भी ऑलवेज नेगेटिव होगा, ओके। अगली आती करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, तो देखो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, अभी तो आप एक बात ध्यान रखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला याद रखना, वो क्या था कि मान लो ये आपका कोई भी बार है, उसकी लेंथ आपकी एल है, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे होने से इसके अंदर कुछ चेंजेज होंगे, ठीक है, वो कौन सा होता है, चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, ओके। और वो चेंज कितना होता है आपका, एल एल्फा टी, एल क्या है यहाँ पर लेंथ ऑफ द बार, एल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, नहीं तो ये एल एल्फा डेल टी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, बार की जगह यहाँ पर चेन आ गई, ठीक है। और देखो फॉर्मूला वही है, सी टेम्परेचर क्या हो, एल मतलब एल नोट लेंथ ऑफ बताया एल नोट, और एल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एल एल्फा टी, टी क्या हो चेंज इन टेम्परेचर, टी एम माइनस टी नोट। अब यहाँ पर टी एम क्या है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, मतलब जब जहाँ भी आप मेजरमेंट कर रहे हो उस टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर कितना है, और टी नोट क्या है यहाँ पर, जब भी आपकी जो चेन या फिर टेप है वो कंस्ट्रक्ट हुई है कहीं फैक्ट्री में उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना था, ओके। एल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब यहाँ पर अगर आपका टी एम ग्रेटर देन टी नोट हो गया तो आपका करेक्शन पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन में आएगा पूछेगा कि, और अगर आपका टी एम लेस देन टी नोट है तो आपका जो करेक्शन है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में से पूछता है कि आपका टेम्परेचर करेक्शन नेगेटिव, ऑप्शन देगा कैसा है, ऑप्शन देगा नेगेटिव पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव आइदर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, नन ऑफ अबव, तो आपको लगाना है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा कि आपको जो टेम्परेचर मेजरमेंट टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर से तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर छोटा हो जाए तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन कर लो आप, मैंने आपको जो करेक्शन की वैल्यू बताई थी मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू वो गलत हो गई, ठीक है। वो जो होती है करेक्शन होता है, ठीक है, वो करेक्शन क्या होता है आपकी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर करेक्शन कर लो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था शायद, तो आप करेक्शन कर लेना कि जो करेक्शन होता है, करेक्शन क्या होता है हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, टी वी माइनस एम वी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके। और जो एरर होती है हमारी, एरर होती है जो मैंने बता दिया वो एरर होती थी, ठीक है। एरर क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ओके। एरर इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो आप ये दोनों ध्यान रखना, करेक्टेड करेक्शन एंड ट्रू वैल्यू, ओके। और एरर और करेक्शन हमेशा सेम ही आएगा, केवल साइन का डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। इसलिए नीचे ये और लिख रखा है यहाँ पर, ई इज इक्वल्स टू सी, मतलब एरर इज इक्वल्स टू करेक्शन, लेकिन साइन का डिफरेंस आएगा, ओके। तो ये आप ध्यान रखना, वैल्यू मैंने पिछले वाले लेक्चर में गलत बता दी थी, तो करेक्शन कर लेना आप, ओके। अगला आता है करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है। इसको समझने के लिए आप देखो, जैसे मान लो आपकी ये कोई बार है, ओके, इसको इधर कोई फोर्स लग रहा है पी, और इधर भी कोई फोर्स लग रहा है पी, मतलब इस बार को दोनों साइड से स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डायमेंशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ जाएगी, और थोड़ी डिस्टेंस ये यहाँ से इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। अभी इलोंगेशन कितना होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो, वो होता है हमारा पी एल अपॉन ए ई, ओके। अगर यहाँ बार है तो यहाँ पर एल क्या है, एल क्या है, एल लेंथ ऑफ द बार, पी क्या है जो लोड लग रहा है, ठीक है, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का, और ई क्या है यंग्स मॉडुलस, ओके। अब सर्वेइंग में हम इस बार की जगह पर हम यहाँ पर टेप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लो आपकी ये टेप है, ओके, और उस पर दोनों साइड से पी फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से हो जाएगा, देखो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, ठीक, देखो भाई ये पी, दिस इज पी एल अपॉन ए ई, यहाँ पर पी की जगह हम पी एम माइनस पी नोट लेंगे, ओके।
और वो क्या होता है, पी नोट क्या होगा, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब आपकी टेप को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जब उसका उस पर कितना पुल अप्लाइड किया गया था, ओके। और पीएम क्या है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब आप टेप से मेजरमेंट कर रहे हो उस टाइम पर आपकी टेप पर कितना पुल लग रहा है, ओके। तो ये डिफरेंस है पीएम माइनस पी नोट। एल नोट क्या है आपकी, लेंथ ऑफ द टेप, मेजर लेंथ ऑफ द टेप, ओके। और ए क्या है, एरिया ऑफ टेप, और ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टेप, ओके। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ओके। करेक्शन ड्यू टू पुल, अब देखो जैसे टेम्परेचर में हमने किया था उसी तरीके से ये है, अगर आपका पीएम ज़्यादा होगा तो आपका करेक्शन पॉजिटिव आएगा, ओके। और पीएम अगर छोटा होगा पी नोट से तो करेक्शन नेगेटिव आ जाएगा इसमें। देखो अगर डायग्राम समझना चाहते हो आप इस केस को, तो इस तरीके से देख लो कि आपकी ये कोई फिक्स रोड है, ठीक है, इसके ऊपर ये पुली लगी हुई है यहाँ पर दोनों साइड, और इस पर ये आपकी रस्सी लग के या फिर कोई भी टेप लग कर यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है ये, ठीक है, पीएम का, और यहाँ पर भी एक लोड लगा हुआ है इस तरीके से ये, ओके, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब देखो इस पर जो पुल आएगा, अब इस तरीके से जब अब ये इस दोनों साइड आपका लोड लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बीच में से ये जो टेप मान लो या फिर रस्सी मान लो कुछ भी है जो आपकी स्ट्रेच होगी, तो उसमें कितना जनरेट होगा, पी एल अपन ए, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, ओके। बीच में क्या है, इसमें इंटरमीडिएट ये रोड लगा के रखते हैं, ये क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि आपकी जो ये रस्सी है बीच वाली, जो टेप है या रस्सी है, वो बीच में से इस साइड इस तरह से डिफॉर्म ना हो बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लेंथ, ओके। अगर ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी तो ये केस हमारा पुल का नहीं रहेगा, ये केस हमारा सेगिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेगिंग अवॉइड करने के लिए बीच में ये फिक्स्ड रोड अप्लाई करते हैं, ओके। अगर मान लो ये रोड अप्लाई नहीं करे तो हमारा अगला आ जाएगा करेक्शन ड्यू टू सेग, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू सेग, मतलब देखो आपकी ये बीच में से रस्ती इस तरीके से डिफॉर्म हो गई, यहाँ पर वो स्ट्रेट रोड्स अप्लाई नहीं करी है, ठीक है। और आपको पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि सेग करेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होगा, ओके, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा, सेग करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होता है, ओके। तो अगर आप सेग करेक्शन निकालोगे तो डायग्राम उसी तरीके से है, बस इसके अंदर जो फिक्स रोड है बीच में अवॉइड सेग करने के लिए, तो सेग अवॉइड करने के लिए फिक्स रोड लगी हुई नहीं है बीच में, इसलिए इसमें सेग हो गया, ओके। तो ये सेग सीधा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेग करेक्शन कितना होता है इसमें, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नोट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। अब यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर डब्ल्यू आपकी टोटल लेंथ दे रखा है या फिर लेंथ पर मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन यहीं बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो टोटल लेंथ दे रखी है टेप की, और पी एम क्या है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अगर मान लो ये W आपकी टोटल लेंथ ना दे करके पर मीटर लेंथ दे रखा है, ओके, इफ़ W वेट पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मान लो पर मीटर के लिए, तो और टोटल लेंथ आपकी क्या है, मेजर्ड लेंथ टेप की L नोट है, तो अगर आपको पर मीटर लेंथ देगा तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट निकालने के लिए पर मीटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ L नोट, इसलिए जो टोटल वेट आएगा वो W L नोट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो वापस आप W L नोट यहाँ ऊपर पुट करोगे वैल्यू, इस W नोट की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे W की जगह, ठीक है, तो आपका ये अलग क्वेश्चन निकल के आता है, अलग फॉर्मूला निकल के आता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नोट क्यूब अपॉन 24 पीएम का स्क्वायर, ओके। अब देखो अगर आपको टोटल वेट दे दो, आपको ये फॉर्मूला लगाना है सेक के अंदर, टोटल वेट ऑफ टेप दे दे तो, और अगर आपको वेट पर यूनिट लेंथ दे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। अब अगर मान लो जो बीच में वो रस्सी थी, ये जो रस्सी है इस पर नॉर्मल टेंशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ना तो ज़्यादा टेंशन अप्लाई हो रही है ना ही कम, मतलब ना तो आपका सेग हो रहा है ना ही पुल हो रहा है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव सेग करेक्शन और पॉजिटिव पुल करेक्शन है वो इक्वल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, इसलिए आप दोनों को इक्वल कर दोगे इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल टेंशन, ओके। तो पी एम आपका नॉर्मल टेंशन है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे पी एम कि आपके सेग में जो करेक्शन आएगा वो कितना आएगा, ओके, ध्यान रखना ये कभी पूछ लेता है डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है अपना करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल, ओके। मीन सी लेवल में रिडक्शन मतलब कि मान लो ये आपकी कोई अर्थ है, यहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे हो मान लो किसी भी सर्वे का,
तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू मेजर करोगे, आप यहाँ से कोई स्टाफ रखा हुआ है ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू मेजर करोगे वो आप इस डिस्टेंस में ये वाले मेजर करोगे वैल्यू ठीक है। लेकिन ये जो करेक्शन है ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के कारण एक करेक्शन आएगा, जो हमारी मीन सी लेवल मतलब जो सेंटर है अर्थ का वहाँ से हमारी जो डिनोटेड वैल्यू है मीन सी लेवल, मीन सी लेवल मतलब हर एक जगह पर मीन सी लेवल दे रखा है समुद्र के तल से हाइट, ये अपने को निकालनी नहीं होती है, फिक्स्ड है हर एक जगह पर बोर्ड लगा करके वहाँ फिक्स वैल्यू लगाई गई है ठीक है। तो जब मेजर करोगे आप इंस्ट्रूमेंट से तो इतना इसमें करेक्शन आ गया ओके ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, तो इसको हम मीन सी लेवल करेक्शन बोलते हैं ठीक है। डिटेल से देखो इस तरीके से जो भी मीन सी लेवल करेक्शन आएगा वो हमेशा और हमेशा जियोडेटिक सर्वे में ही आएगा ओके, जब आप बहुत ही ज़्यादा लेंथ कंसिडर कर रहे हो सर्वे के लिए, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सर्वे कर रहे हो आप जब ओके। द मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्लेन सर्वे शुड बी रिड्यूस्ड टू डिस्टेंस एट मीन सी लेवल कॉल्ड जियोडेटिक डिस्टेंस, दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। और आपको वापस ये ध्यान रखनी है कि करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होता है ओके। डायग्राम समझ आ जाएगा, मान लो आप यहाँ पर सर्वे कर रहे हो ठीक है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना इतने डिस्टेंस मेजर करोगे, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी ओके बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर ओके। तो देखो यहाँ सेंटर है, सेंटर से आप अर्थ पे कहीं भी चले जाओ सेंटर से मीन सी लेवल सेम होता है हर जगह का, इस पॉइंट पे ले लो अर्थ के चाहे इस पॉइंट पर ले लो मीन सी लेवल सेम रहता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ ओके। और उसकी रेडियस क्या दे रखी है आर, और किसी एज डिस्टेंस पर हम सर्वे कर रहे हैं, किसी बेंचमार्क पर हम हमारा सर्वे कर रहे हैं ठीक है, किसी भी पॉइंट्स की पोजीशंस निकाल रहे हैं वो किसी एज हाइट पर ठीक है, तो वहाँ से जो हमारी डिस्टेंस आई मेजर हुई वो हमारी एल नोट हुई, लेकिन जो मीन सी लेवल पर जो डिस्टेंस है वो तो कैपिटल डी है, तो यहाँ से करेक्शन क्या आ गया हमारा डी एल नोट टोटल एल नोट एल नोट ठीक है। जब यहाँ से करोगे आप परपेंडिकुलर हैं जब यहाँ से ठीक है, तो ये इतना करेक्शन आएगा ये इतना दोनों साइड से ठीक है, तो ये करेक्शन निकालने के लिए एल नोट माइनस डी कर देंगे, तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैनिपुलेट हो जाएगी ओके। तो एल नोट माइनस डी जहाँ से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ठीक है, एल नोट एच अपॉन आर, एल नोट क्या है एल नोट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई एच डिफरेंस बेंचमार्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं, इसमें क्या पता बीच में से भी कुछ पूछ सकता है, इसलिए देखो अगर आप इसके लिए थीटा की वैल्यू देखोगे, थीटा की वैल्यू देखोगे तो टोटल एल नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस एच ओके, और इसके लिए थीटा की वैल्यू देखोगे तो क्या होगा थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन आर, डी अपॉन आर। यहाँ से इसको सोल्व आउट करोगे तो एल नॉट की वैल्यू आर प्लस एच थीटा, और यहाँ से आर डी की वैल्यू क्या जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से आर थीटा। तो हमने देखा था मीन सी लेवल का करेक्शन एल नॉट माइनस डी होता है, तो जब ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे तो आपकी सिंपली ये निकल के आ जाएगा ठीक है एल नॉट एच अपॉन आर ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर आर प्लस एच को, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले हमारा बेंचमार्क बहुत ही कम होता है, तो हम उसको आर ही एज्यूम कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये एच एल नॉट अपॉन आर आ जाएगा ठीक है। सिंपल है, केवल ये कर्वेचर इसमें यूज़ करना है कर्वेचर फॉर्मूला, बस आपको तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक है, जो बॉक्स में बंद है रेड कलर के बॉक्स में बंद है वो तो आपको याद करने ही है ठीक है, वो इम्पोर्टेंट वही है ओके। डेरिवेशन मैंने बता दिया किस तरीके से, अब एक क्वेश्चन देख लो इससे क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या रहा है। ये क्वेश्चन है अ स्टील टेप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वाज स्टैंडर्डाइज्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ पुल ऑफ 20 kg, फाइंड द करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर मेजर डिस्टेंस ऑफ 60 meters ड्यू टू टेम्परेचर पुल एंड सेग, तीनों के लिए निकालना है टेम्परेचर के लिए भी पुल के लिए भी एंड सेग के लिए भी, तीनों हमने जो केसेस पढ़े उसका एक में ही निचोड़ निकल के आ गया ओके। इफ़ TM 39 डिग्री सेंटीग्रेड PM 36 kg क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है 0.3 cm स्क्वायर, वेट ऑफ टेप पर मीटर इज 30 kg ओके, ये गिवन है ये गिवन है आपको, तो कुल मिलाकर के आपको दे क्या क्या रखा है, आपको एल नोट दे रखा है, एल नोट दे रखा है 60 meters, TM क्या दे रखा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड ओके,
सब कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, सीधा फॉर्मूला लगाना है टेम्परेचर के लिए। ओके, अब देखो आपका टी एम आपका ज़्यादा है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टी एम है। ओके, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टी नोट था, तो टी एम ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा। ओके, तो एल नोट की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, एल्फा की वैल्यू आपको ये देखो यहाँ से 11.6 मल्टीप्लाइड बाई 10^-6 दे रखी है, टी एम आपको 39 दे रखा है, टी नोट आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करोगे तो आपकी पॉजिटिव करेक्शन आएगा 8.35 mm पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपका टी एम ग्रेटर देन है टी नोट से। ओके, डेरिवेटिव अभी हमने जब पढ़ा था उसमें बताया था टी एम ग्रेटर देन टी नोट हो तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और टी एम लेस देन टी नोट हो तो करेक्शन नेगेटिव होगा। इस तरीके से पुल के लिए देखेंगे हम, इसमें भी पुल पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका पी एम ग्रेटर देन है पी नोट से, क्योंकि आपका पी एम क्या दे रखा है 36 kg और पी नोट क्या है आपका 20 kg है। ओके, एल नोट 60 है ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा 0.3 cm². जब वैल्यू जिसमें वापस पुट करोगे सिंपल कैलकुलेशन है तो पॉजिटिव करेक्शन आएगा आपका, पॉजिटिव पुल करेक्शन 1.52 mm। ठीक है, तो आप देख रहे हो, देखो आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वैल्यूज आपको खुद देगा, इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनते नहीं है, सिंपल बनते हैं। ओके, बाकी आता है आपका सेक करेक्शन, तो आपको पता है सेक करेक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। डब्ल्यू स्क्वायर एल नोट क्यूब अपॉन 24 पी एम का स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको वेट दे रखा है वो पर मीटर के लिए दे रखा है आपको, तो मैंने बताया था पर मीटर के लिए, अगर आपको देखो ये देखो यहाँ पर करेक्शन एरिया ना एंड वेट ऑफ टेप पर मीटर, देखो पर मीटर के लिए दे रखा है, तो पर मीटर के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था जो बाद में किया था हमने। ओके, पर मीटर के लिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें वापस आप वैल्यूज पुट करोगे तो नेगेटिव करेक्शन आएगा 6.25 kg, नेगेटिव आएगा क्योंकि सेक करेक्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन है, ये एक बार देखो लगे कि IAS में आया था क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है, द मेन प्लेट ऑफ अ ट्रांजिट इज डिवाइडेड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन, 6 divisions ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ 59। 6 divisions 59 से कोइंसाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब कि ये कौन सा वर्नियर स्केल है, डायरेक्ट वर्नियर स्केल है। ओके, द लीस्ट काउंट बताओ, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो जो 36 है, अब देखो पूरे डिवीजन को 1080 में कन्वर्ट कर रहा है ये, ठीक है, तो टोटल हमारा कितना होता है एंगल 360 डिवाइडेड बाय 1080, ये क्या हो गया हमारा डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय 60 करोगे तो मिनट, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो सेकंड हो गया। ओके, क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए हमारा आंसर, ठीक है, तो ये आ गया समझ यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया एस डिवाइडेड बाई एन, अपने को निकालना एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन क्या है 60, तो डिवाइडेड बाय इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो इसी तरीके से पहले एस की वैल्यू निकाल लोगे आप, 36 टोटल डिवीजन होते हैं, 36 पूरे सर्कल में 36 डिग्री का होता है, ठीक है, और 1080 उसमें डिवीजन दे रखे हैं, वो बोल रहा है कि आपके इज डिवाइडेड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 60 करोगे क्यों, क्योंकि आप डिग्री में है, ये डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, और वापस 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 1200 सेकंड आ गई, या आपकी एस आ गई, और लीस्ट काउंट क्या होता है एस अपॉन एन, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। ओके, अगर समझ नहीं आ रहा था आप पिछले लेक्चर्स देखो, समझ आ जाएगा एक्जैक्टली। ओके, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपको 20 डिग्री या फिर 20 1 सेकेंड प्लीज। ओके, आपका ये 20 डिग्री नहीं है, ये 20 सेकेंड आंसर है। ओके, ये आप करेक्ट कर लेना इसको, 20 डिग्री ना हो कि 20 सेकेंड आंसर है आप, क्योंकि हमें आंसर सेकेंड में चाहिए था, क्योंकि देखो इसमें बोल रखा है, इसमें बोल रखा है देखो इन सेकेंड में चाहिए हमें, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे आपका है लेंथ, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।